स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे 8, 9 और 11 का एग्ज़ाम डेट आ गया है उस पर चर्चा करेंगे, और गर्मी छुट्टी कब से कब तक है उसका भी एक ही लेटर में दोनों चीज़ का मेंशन किया हुआ है, गर्मी छुट्टी और एग्ज़ाम को लेकर के, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो में 1 से 7 तक भी एग्ज़ाम का डिटेल देखेंगे और 8, 9, 10 का जो टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर 7 तक कब एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर 8, 9, 11 का कब एग्ज़ाम होगा, सारा डिटेल समझते थे। चलिए देखते हैं पत्र में क्या कहा गया। शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। देखिए आपको लेटर भी दिखा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ नहीं है। कहाँ कर देखिए, झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, ठीक है। तो ये ऑफिशियल ये नोटिस है, लेटर है ना, संख्या ये सब दिया हुआ है। विभागीय अधिसूचना संख्या 2144 दिनांक 2/11/2021 के कंडिका के आलोक में सभी कोटि के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों के लिए ग्रीष्म अवकाश अवधि कुल 17 दिनों तक निर्धारित किया गया है। 17 दिन तक, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो या अनुदानित स्कूल है, जिसके आलोक में जिलों के द्वारा दिनांक 17/5/2022 17/5/2022 से दिनांक 4/6/2022 तक विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया है। तो 17 से कब तक, 4 तक गर्मी छुट्टी रहेगा, 5 को स्कूल खुल जाएगा, जिससे पिछला वीडियो में बताए थे 5 को खुल जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम वही 15 आसपास होगा बोले थे। तो इसमें देखते हैं कब से एग्ज़ाम है। तो ये तो गर्मी छुट्टी का हुआ, 17 से 4 तक गर्मी छुट्टी, 5 को स्कूल खुलेगा। उसके बाद देखिए कक्षा 1 से 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक मूल्यांकन यानी सालाना परीक्षा, जो फाइनल परीक्षा होगा 1 से 7 के लिए, कक्षा 1 से 7 के लिए 6 जून से 15 जून तक होगा। तो पहला से लेकर के 7वां क्लास तक का एग्जाम लेना है 6 जून से 15 जून तक, ठीक है। यानी स्कूल जस्ट खुला, 5 को खुला, 6 से एग्जाम 1 से 7 तक का। उसके बाद कक्षा 8, 9 एवं 11 के विद्यार्थियों की सेकेंड टर्म की परीक्षा दिनांक 16 से 30 जून तक प्रस्तावित है। यानी 16 से 30 जून तक इसका एग्जाम लेना है, किसका, उक्त के आलोक में सभी कोटि के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश की उक्त अवधि यथावत रखी जाती है। मतलब कोई भी स्कूल हो, गर्मी छुट्टी इस तरह से है, तो एग्ज़ाम कब से है, एग्ज़ाम कब से है समझ में आ गया। पहला से 7वां तक का एग्ज़ाम 6 तारीख से होगा, 6 से 15 तक, और 16 तारीख से एग्ज़ाम होगा 8, 9, 11 का, ठीक है। 16 से 30 के बीच होगा, अभी मतलब फाइनल रूटीन नहीं आया कि 16 को मैथ होगा कि 17 को साइंस, ऐसा नहीं आया। 16 से 30 के बीच होगा, अब इस 16 से 23, 30 के बीच में मतलब हो सकता है 20 से भी स्टार्ट हो या 25 से भी स्टार्ट हो, लेकिन यही 16 से 30 के बीच होगा। तो पिछला वीडियो में भी आपको समझाए थे कि 16 से 30 तक एग्ज़ाम होगा बाबू, इसीलिए 1 महीना का समय है, अभी से एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप 8 क्लास में हो, 9 क्लास में हो या 10 क्लास में हो। लेकिन बात रहा जैसे अब एग्ज़ाम की तैयारी करे तो कैसे करें, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम क्वेश्चन कैसा आएगा, पहला में तो सबको पता था एमसीक्यू आएगा, तो उसके आधार पे हम तैयारी करा दिए 8 और 9 का, सबका बेड़ा पार हो गया, अच्छा एग्जाम किया तो बहुत खुशी की बात है ना। बस 8 क्लास में थोड़ा सा क्या हुआ कि एक चैप्टर खाली मैथ वगैरह, एक चैप्टर 1-2 क्वेश्चन जो कि टर्म 1 में नहीं पढ़ना था वहाँ से आ गया है ना, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, और 1 क्वेश्चन मैथ में गलत है, पूरे गलत दे दिया है ना। तो 1-2 क्वेश्चन अगर 50 क्वेश्चन था, और एक गड़बड़ हुआ 8 क्लास में कि 20 क्वेश्चन आएगा कहा जा रहा था, आ गया 50 क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हुआ। बाकी खैर 20 क्वेश्चन या 50, लेकिन वहीं से आया कि जितना पढ़ना था वहीं से आया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 1-2 क्वेश्चन खाली अगर दूसरा चैप्टर से आया तो वो भी पूरा चैप्टर तो पढ़ ही लिए थे, हम पढ़ा भी दिए थे, तो अगर बढ़िया से जो क्लास किए होंगे मेरा, उसका तो हमको लगता मैथ में 1 भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, बस 1 क्वेश्चन में गलत था, तो उसको खैर क्या करेगा, तो 1-1 छूटा होगा है ना। और अगर भूल चूक हो जाता है, गलती से छूट गया होगा, तो 50 में से तो कम से कम बहुत ज़्यादा तो
चार पांच गलत हुआ होगा, इसका सॉल्यूशन हम आंसर भी अपलोड कर दिए, मिला लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना नंबर आया। ठीक है, तो पूरा तैयारी करा दिए थे। अगर बहुत ज़्यादा गलती तो अगर 10 को हुआ होगा तो 40 तो सही हुआ होगा, मैथ और साइंस खास करके, बाकी सब्जेक्ट का तो नहीं कह सकते हैं, बाकी का खाली ऐसे एग्जाम का तैयारी करा दिए थे, क्वेश्चन कुछ करा दिए थे, लेकिन मैथ और साइंस को पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा समझाए थे और एग्जाम का तैयारी भी 2 बार रिविजन भी कराए थे, इसलिए इसमें गारंटी ले सकते हैं कि 50 में 40 नंबर आराम से आ गया होगा। तो खैर ये तो MCQ पता था इसलिए उसके आधार पे तैयारी करा दिए, मॉडल पेपर नहीं दिया था इसलिए ये गड़बड़ हुआ कि 20 क्वेश्चन सोचे थे आ गया 50 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन फिर टर्म 2 का अभी 1 महीना का समय है, 1 मंथ का, अब इसमें भी अगर मॉडल पेपर नहीं जारी करता है तो फिर से दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि टर्म 2 का आ जा रहा है, सब्जेक्टिव होगा। अब सब्जेक्टिव होगा लेकिन कितना से कितना चैप्टर होगा, या सब्जेक्टिव भी होगा ऑब्जेक्टिव होगा। अब सब्जेक्टिव में 5 नंबरी क्वेश्चन खाली रहेगा कि 3 नंबर वाला भी रहेगा, 2 नंबर वाला भी रहेगा, तो इसमें थोड़ा ही दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसलिए मॉडल पेपर आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन मॉडल पेपर देखो अब जारी कब करता है। तो मॉडल पेपर जब तक नहीं आता है हम ये 3 तरीके से इसका तैयारी कराएंगे, जैसे पहले का जो न्यूज़ था उसके हिसाब से कि MCQ भी आएगा और लिखित वाला भी आएगा। तो MCQ को मान के चलेंगे कि कुछ 8-10 क्वेश्चन आएगा, तो MCQ भी कुछ तैयार करेंगे और 2 नंबरी क्वेश्चन यानी इस छोटा वाला क्वेश्चन तैयार करेंगे, उसके बाद 3 नंबरी यानी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, उसके बाद 5 नंबर वाला। इस तरह से 8 और 9 दोनों क्लास का तैयारी शुरू करेंगे। 8 का शुरू कर भी दिए हैं लेकिन आज वीडियो नहीं दे पा रहे हैं उसका, कल से उसको भी कंटिन्यू करेंगे, बस चतुर्भुज का शुरुआत की है, उसमें 1 चैप्टर शुरुआत की है। ठीक है, तो ये तीनों MCQ भी कराएंगे और 2 नंबरी 3 नंबरी 5 नंबरी तीनों टाइप का क्वेश्चन कराएंगे सभी चैप्टर से, है ना। तो जब तक हम टर्म 2 का स्पेशल वीडियो अपलोड नहीं करते 9 क्लास खास करके या 8 क्लास भी, तब तक आप पूरा चैप्टर पढ़ा दिए, चैप्टर ऐसा आएगा। देखिए ये आप थोड़ा सा गलती का कर देते हैं कि एग्जाम जब पहुंच जाता है तो उस समय किताबा को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, वर्मा प्रेस तो शर्मा प्रेस तो मॉडल पेपर तो फलना पेपर ढेकना पेपर करते रहते हैं, चाहे इंपोर्टेंट क्वेश्चन खोजते रहते हैं। तो देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहे हम हो या कोई वर्मा प्रेस या शर्मा हो, कोई शर्मा हो या वर्मा हो, कोई भी हो जो किताब छाप रहा है या फिर हम डायरेक्ट किताब नहीं छाप के बता रहे हैं, तो हम जो बता रहे हैं या वर्मा बता रही है शर्मा बता रहा है 100% वो एग्जाम में नहीं आ सकता वो क्वेश्चन, क्योंकि हम एग्जाम में थोड़ी क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन में कोई और छाप रहा है, हम बस उसका हिंट्स दे रहे, बस हम अंदाजा लगा सकते हैं ना कि इस टाइप का क्वेश्चन कोई छापेगा, अब उसका दिमाग को हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं यही क्वेश्चन वहाँ कोई छापेगा, या वर्मा कैसे जानेगा कि एकदम वही क्वेश्चन वहाँ छापेगा, कोई नहीं जान सकता है, बस हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन अपना एक्सपीरियंस के अनुसार कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो उस आधार पर हम बताते हैं, या कोई भी वर्मा प्रेस हो या शर्मा प्रेस उस तरह से उस आधार से वो अपना किताब आप छापता है, अपना मॉडल पेपर जो भी है वो जारी करता है, एकदम सेम वही क्वेश्चन नहीं छपाएगा वहाँ पर, है ना। बाय द वे हो जाए कुछ कुछ क्वेश्चन सेम आ जाए, अदरवाइज सेम वैसे ही नहीं होगा, इसलिए ये भरोसे मत रहिए कि शर्मा गैस या वर्मा गैस रहेगा उसी से खाली पढ़ेंगे। बार बार हम बोलते हैं किताब जो पढ़ाते हैं जैसे मैथ है तो पूरा एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन कर लीजिए, एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन कर लीजिए, कहा कि टर्म 1 में देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछा था, एक्सरसाइज से ना पूछ करके बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल करिए, एक्सरसाइज कीजिए, यानी जो किताब है JCERT का वो किताब को जो जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तो ना वर्मा का जरूरत पड़ेगा ना शर्मा का जरूरत पड़ेगा ना किसी और का जरूरत पड़ेगा, आप उसको तैयार करिए। तो जो किताब में पढ़ाए एक्सरसाइज भाई उस मेन है तो उसको छोड़ दिए हैं देखना, और एग्जाम आ गया कह के आप लोग बार बार चिल्ला रहे हैं कमेंट कर रहे हैं कि टर्म 2 का तैयारी करवाए। अब उसका तैयारी होता क्या है, तैयारी मतलब ये कि कैसा क्वेश्चन आएगा, तो वो तो खैर करा ही देंगे लेकिन कैसा क्वेश्चन आएगा वो खाली बता देंगे, और खाली तैयारी मतलब कि जैसे MCQ में बता दी, एक वीडियो बनाए तो उसमें पूरा मैथ्स पढ़ा दी, एक बार में बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से आया, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि ये साल भर पढ़ा रहे हैं यार एक दिन हम एक ही दिन में पूरा पढ़ा दिए तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं होगा, वो टिक लगाने वाला था हो गया, लेकिन अब खास करके लिखित वाला है इसमें बेड़ा पार नहीं होगा, खाली रिवीजन ऐसे मतलब एग्जाम का तैयारी करा देंगे, तो तैयारी मतलब वही कर देंगे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा है, जैसे कहेंगे जैसे 9 क्लास में बड़ा खतरनाक खतरनाक चैप्टर पढ़ना है, बताएं पिछला वीडियो में कैसे कैसे चैप्टर है, तो उसमें बता देंगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो एकदम जो बताएंगे वही सेम नहीं आएगा, इसीलिए मेरा भरोसा भी नहीं करना है कि हम बताएंगे रिवीजन एग्जाम की तैयारी कराएंगे तो उसी से आएगा, नहीं आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करिए,
आपके पास अभी समय है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सारा क्वेश्चन कर दीजिए, एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन कर दीजिए, बहुत आसान लग हो जाएगा एग्जाम की तैयारी में। खाली इस भरोसे मत रहिए मेरा तो वीडियो चलेगा बढ़िया सा, हम आप लोग को ठग सकते हैं कि हाँ हम जो बताएंगे वही आएगा कह के लंबा लंबा फेंक के, और आप लोग को हम इंगेज कर सकते हैं, लेकिन मेरा वो काम नहीं है, आपका इंगेज नहीं करना चाहते, बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हाँ क्लास करिए, हम हिंस देंगे, कन्फर्म नहीं कहेंगे कि यही आएगा। आप एक्सरसाइज जो पढ़ाए हैं उसको मेन देखिए, पूरा एक्सरसाइज पढ़िए, जितना चैप्टर पढ़ना वो पूरा चैप्टर पढ़िए, उसके बाद अपने आप आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि लगेगा अब कहीं से क्वेश्चन पूछिए, कहे कि किताब से बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, किताब से ही आएगा। और बर्मा प्रेस और शर्मा प्रेस जो रहता है वो भी कहाँ से रहता है, किताब से ना क्वेश्चन उठाता है, जैसे किताब में पाँच क्वेश्चन है तो पाँचों में से एक उठा लिया, वहाँ से आगे है चार को वहाँ से एक उठा लिए, तो वही किताब का ही क्वेश्चन है। तो आप अगर किताब से क्वेश्चन करते हैं तो किताब एक समुंदर है, और इस समुंदर से निकाल के तालाब में, मानिए छोटा सा तालाब में ये वर्मा और शर्मा रख दिया है, तो अगर पूरा समुंदरवे को पी जाइएगा तो तलबत अपने आप तो आपके अंदर आ जाएगा, है ना। तो शर्मा वर्मा का चक्कर नहीं रहना है, या कोई किसी का चक्कर में मत रहना नहीं रहना है कि एग्ज़ाम का एकदम तैयारी, मतलब वो जो पुकार रहा है वही आएगा एग्जाम में, नहीं। तैयारी अच्छे से करना हो तो एक्सरसाइज को फोकस करिए, चैप्टर को फोकस करिए, चाहे मैथ हो, साइंस हो, कोई भी चैप्टर हो। जैसे साइंस में चैप्टर पढ़ा दिए, पूरा चैप्टर को अगर आप सही से समझ लिए, जैसे हम पढ़ाते हैं पूरा समझा देते हैं बारीकी से एक एक वर्ड को, तो अगर वो पूरा समझ गए तो आप उस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आया तो आप उसको बता सकते हैं। अब को चैप्टर को नहीं समझे हैं तो चैप्टर खत्म होता है, तो उसके बाद क्वेश्चन कितना रहता है, 8-10 20 ज़्यादा से 20-30। अब 20 को क्वेश्चन में खाली रट लीजिएगा, थोड़ा सा घुमा दिया तो फिर कहिएगा ना ये क्वेश्चन वहां तो करवावे नहीं किए थे मास्टर, वहां आ गया बाहर से, थोड़ा सा भी खुआ है लगेगा अरे ये वाला तो पढ़ावे नहीं किए था आ गया। इसलिए बार बार बोल रहे हैं पूरा चैप्टर पढ़िए, चैप्टर को समझ लीजिएगा, चैप्टर का मेन मेन पॉइंट को याद रखिएगा जो याद करने जैसा है, तो आपको कहीं से क्वेश्चन आए आप कोई कोई भी एग्जाम कभी भी एग्जाम दे रहे हैं तो यही तरीका है। चैप्टर को बढ़िया से समझिए, जो चीज़ पूछा जा रहा है, जो चैप्टर को पढ़ना है उसको बढ़िया से समझिए, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। खाली क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, यही सबसे बड़ा गलती हो जाता है। इसलिए अगर थोड़ा सा घुमा देता है तो कहते हैं अरे वाला पढ़वे नहीं किए थे, किताब में वाला क्वेश्चन वो है ही नहीं है, या मास्टर वो बताबे नहीं किया वाला क्वेश्चन। तो देखिए चैप्टर पढ़िए तो सब क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें, अब क्वेश्चन खाली पढ़ के जाइएगा तो क्वेश्चन कितना कोई बता, पूरा चैप्टर कहा रहता है, अगर खाली क्वेश्चन से बेड़ा पार हो जाता तो पूरा कहानी लिखने का क्या जरूरत था, खाली क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर लिखल रहता। तो कहानी लिखने का मतलब होता है कि थोड़ा कहानी टाइप में पूरा चैप्टर जो रहता है 10 पेज का, उसका मतलब यही है कि उसको पढ़िए और चीज़ों को पूरा दिमाग में फिक्स कर लीजिए, है ना, चीज़ों को समझ लीजिए ताकि पूरा विस्तार से सब पढ़िएगा तो कहीं से भी कोई भी बात को कोई भी पूछे, कहीं भी क्वेश्चन करा जाए तो उसका आंसर आप सही से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन के भरोसे नहीं रहना है, आपके पास समय है, आप क्या करें साइंस अगर पढ़ना है जिस चैप्टर को, जैसे अगर पढ़ना है कोशिका तो कोशिका का जो चैप्टर पढ़ा है उसको पूरा पढ़ लीजिए, अपने आप देखिएगा कि उसका आगे का जो क्वेश्चन है उस सब चैप्टर में सबको पढ़ लिए सबको समझ गए तो फिर आगे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से क्वेश्चन आए बना लीजिएगा। इसी तरह मैथ में अगर पढ़ना है जैसे द्विघात बहुपद या कुछ चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल इसको पढ़ना है, या 9 क्लास में आते हैं तो चतुर्भुज पढ़ना है तो चतुर्भुज का पूरा पढ़ लीजिए, एक्सरसाइज 8.1 8.2 8.3 जितना है सबको पढ़ लीजिए, तो फिर वर्मा का क्वेश्चन रहे कि शर्मा का क्वेश्चन रहे कि हमारा क्वेश्चन रहे कि केकरू और क्वेश्चन रहे आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर इस भरोसे में रहिएगा कि हमको कोई दे देता है कहीं से 10 क्वेश्चन एकदम वही आएगा कह देगा, तो वही आएगा कह सकता है अपना वैल्यू बनाने के लिए, लेकिन एग्जाम वही क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए किसी का वैसे बहकावे में नहीं आवे, क्या करे आप बढ़िया से तैयारी करें, चैप्टर पढ़े, एक्सरसाइज मैथ है तो एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है। तो हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो से, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा वो बताएंगे, लेकिन बार बार बोल रहे हैं चाहे हम बताएं या कोई और बताए सिर्फ उसी के भरोसे नहीं रहना, हाँ उसको देखिए आप आइडिया लीजिए कैसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन सिर्फ उसी के भरोसे नहीं रहना है कि हम 10 क्वेश्चन बता दिए 10 उठवाएगा बस वही ना। किताब पढ़िए, किताब से बाहर का क्वेश्चन नहीं रहता है, किताब का पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, किताब को पूरा पढ़ लीजिए, 1 महीना समय है बहुत है ना। अब ऐसे भी गर्मी छुट्टी हो जाएगा कुछ दिन बाद, तो गर्मी छुट्टी में दिन भर सूद के नहीं बिताना है, पढ़ के बिताइए, ठीक है। अगर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आगे भी आसान हो जाएगा, 8 में है तो 9 क्लास आसान हो जाएगा, 9 है तो 10 आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यही सब बताना था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे
वही एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो सब कराएंगे, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं एक्सरसाइज और चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर पढ़िएगा तभी हम जो बताएंगे वो काम आएगा, है ना। और नहीं तो चैप्टर वाला सबको भुला लीजिएगा, उसके बाद खाली हम जो बताएंगे अभी उसको खाली ध्यान दीजिएगा, तो फिर थोड़ा सा घुमा दे क्वेश्चन तो कहिएगा मास्टर वह क्वेश्चन में बताबे नहीं किया आ गया यहाँ से, है ना। जैसे आज का क्वेश्चन में देखिए हम बताएं कहीं कहीं पर कि 2 का पावर 3 कितना होता है, आ गया 3 का पावर 3, फिर भी कहेगा कि ये तो मास्टर बात इसको बताया था 2 का पावर 3 कितना होता, 3 का पावर 3 आ गया। तो क्या है कोनो फर्क है इसमें, चीज़ बा एक ही है, लेकिन यही खाली क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा तो होगा गलत है, खाली क्वेश्चन करने में रहा कंसेप्ट को समझ में नहीं करे तो कहाँ से करने सकेगा, चीज़ बा एक ही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा देगा तो आप खूब घूम जाइएगा, कहिएगा ये किताब में नहीं है तो इसको स्कूल में नहीं पढ़ाया, तो इसको कोचिंग में नहीं पढ़ाया, इसको यह बाहर से क्वेश्चन आ गया, बाहर से क्वेश्चन नहीं एक आध वो भूल चूक से आ जाता है, नहीं तो बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है खास करके मेट्रिक तक में स्कूल लेवल में, है ना। इसलिए बढ़िया से पढ़िए, जो जो चैप्टर पढ़ना है सिलेबस में बस इतना देखिए कौन चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर को पूरा कम्प्लीट पढ़िए, चैप्टर पूरा पढ़ा समझ लीजिए तब उसका क्वेश्चन में आइए, पहले क्वेश्चन आइएगा चैप्टर में नहीं पढ़िएगा गलत होगा, बार बार बोल रहे हैं इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, आप देखिएगा हर एग्जाम में आपका बेहतर प्रदर्शन आपको अपने आप दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना छोड़िए, चैप्टर समझिए पहले तब क्वेश्चन याद करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वही चैप्टर अगर कोई नहीं पढ़ा है तो चैप्टर लेंगे, और चैप्टर पढ़ा दिए हैं तो आप जाइए प्ले लिस्ट में जाइए वीडियो खोजिए, बहुत आसान तरीके से हम सब चैप्टर समझा दिए हैं, वहाँ समझिए तो उसके बाद अपने आप देखिए कि बर्मा का फसल में कोई क्वेश्चन हो गनगना का आप अपने से कर लीजिएगा, अगर पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, कहे कि पूरा चैप्टर जब पढ़ा तो उसमें एक भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ते हैं कि जो कि मैंने क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसको हम छोड़ देना, एक भी वैसा चीज़ नहीं छूटेगा अब मेरा पढ़ाया हुआ खास करके साइंस या मैथ हो, जिसे देख लीजिए चैप्टर को अपलोड है, पूरा किताब अपलोड है 8 और 9 का पूरा किताब पढ़ा हुआ है, बस आपका कमी है आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, खोजते नहीं है ना, खोज के जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, 8 है तो 8 का में जाइए, 9 है तो 9 में जाइए, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा भरा पड़ा है, आप वहाँ से क्लास कीजिए, उसके बाद फिर इसका तो तैयारी हम कराएंगे, टर्म 2 का तैयारी कराएंगे देंगे, बस ये सब न्यूज़ याद देना था, कल से पूरा कंटिन्यू आपको हर सब्जेक्ट का कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा कराते रहेंगे, लेकिन चैप्टर को फोकस करिए, ठीक है। मिलते हैं, थैंक्स फॉर।